सीएम योगी का ऐलान, यूपी से होगी चौथी औद्योगिक क्रांति का सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हमारी ताकत। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उत्तर प्रदेश की ताकत है। 96 लाख एमएसएमई इकाइयों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास की नींव रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का जनक उत्तर प्रदेश होगा, इसका नेतृत्व यूपी करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग उत्तर प्रदेश की ताकत है। 96 लाख एमएसएमई इकाइयों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास की नींव रखी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 6 साल में सरकार ने एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहित करने के साथ हस्तशिल्पियों कारीगरों को प्रशिक्षित और सम्मानित किया है। यदि इन्हें पिछली सरकारों ने सम्मान दिया होता तो यूपी बहुत आगे होता। लोक भवन सभागार में शुक्रवार शाम आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से 39 बुनकरों को नगद राशि, प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। प्रदेश में उत्पादित उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए 25 वस्तुओं से जुड़े 75 निर्यातकों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय राज्य निर्यात पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 20 उद्यमियों को एमएसएमई उद्यम राज्य पुरस्कार दिया। कार्यक्रम में 600 दर्जी, राजमिस्त्री सहित अन्य कारीगरों को टूल किट भी वितरित किए गए। प्रदेश भर में 75,000 कारीगरों को टूल किट वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिनों वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 33,50,000 करोड़ रुपए के निवेश करार ने साफ कर दिया है कि यूपी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का जनक होगा। मुख्यमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बीते दिनों वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 33.50 लाख करोड़ रुपए के निवेश करार ने साफ कर दिया है कि यूपी चतुर्थ औद्योगिक क्रांति का जनक होगा। उन्होंने कहा कि यूपी अब निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आया है। यह औद्योगिक विकास की नींव बनेगा। कोरोना संक्रमण के समय देश ने यूपी की एमएसएमई की ताकत को देखा था, जब 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को एमएसएमई इकाइयों में रोजगार दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए पहली प्राथमिकता है कि कानून का राज हो, दूसरी प्राथमिकता शासन नेक नियमित में काम करे, व्यापार की सुगमता हो, लेकिन सबसे आवश्यक है कि एमएसएमई का बेहतरीन क्लस्टर हो। यूपी के एमएसएमई उद्यमियों ने इसे बनाया है। कार्यक्रम को खिचड़ी न बनाते तो ठीक रहता। मुख्यमंत्री ने समारोह को लेकर एमएसएमई विभाग के अधिकारियों को आगाह किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को खिचड़ी नहीं बनाना चाहिए। विश्वकर्मा श्रम सम्मान का अलग आयोजन कर श्रमिकों को बैंक से जोड़ना चाहिए ताकि उन्हें बैंक ऋण दे सके।